बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने अवैध ई रिक्शा और टाउन हॉल पर लगने वाले अवैध मंगल बाजार पर शीघ्र प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर मांग की गई कि मुरादाबाद महानगर के व्यस्त बाजारों में अवैध ई रिक्शाएं खूब चल रही हैं, जिस कारण बाजारों में भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे व्यापारी अपना रोजगार करने में असमर्थ है। बिना परमिट के ई रिक्शाओं को शीघ्र बंद किया जाए। तो वहीं रूट के हिसाब से चलाए जाए तो बाजार में ई रिक्शाएं कम होंगी, जिससे व्यापारी अपना व्यापार आसानी से कर सकता है। आने वाली जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व में व्यापार मंडल द्वारा पुलिस प्रशासन को टाउन हॉल पर लगने वाले अवैध मंगल बाजार को बंद कराने के संबंध में अनेकों बार ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु आज तक अवैध मंगल का बाजार बंद नहीं हो सका है। इस मौके पर विपिन गुप्ता, शिवम गुप्ता, संजय अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। हम नितिन अस्तोगी, मैं महामंत्री श्री सराफा कमेटी मंडी चौक मुरादाबाद से हूँ। आज ये जो हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल और श्री सराफा कमेटी मंडी चौक मुरादाबाद के माध्यम से यहाँ पे हम डीआईजी साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर उन्हें प्रेषित किया है कि मंडी चौक सराफा बाजार तक, अमरोहा गेट तक किसी भी तरीके से जो ग्राहक है वो नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है ये असंख्य संख्या में चलने वाली ई रिक्शा जो कि गैर कानूनी रूप से चल रही हैं। इसका पूर्व में कई बार कहा गया है, इसका हम रूट निर्धारित करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है और ग्राहक नहीं आ पाता, चाहके भी नहीं आ पाता, जबकि यह पूरा बाजार जो है बड़ा पुराना बाजार है, सब जने चाहते हैं यहीं से खरीदारी। इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की गई? विभिन्न स्तर पर हमने शिकायत करी है। हमने सीओ यातायात सीओ ट्रैफिक साहब को भी इसका एक ज्ञापन दिया था पहले पूर्व में, लेकिन और साथ ही में हमने उन्हें यह भी प्रेषित किया था कि जो मंगल बाजार लगता है अवैध रूप से, ये भी हटना चाहिए। यहाँ तक के जो निवासी हैं वहाँ, उन लोगों को भी दिक्कत होती है घर में पहुँचने में। आज अपनी समस्या किस अधिकारी के पास? आज हम जो यहाँ पे जो डीआईजी साहब के सामने अपनी समस्या रखने जा रहे हैं, और हम बड़े आशा से हैं कि वो इसमें अपने संज्ञान में लेते हुए इसे जो है इसका निवारण करें। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो है इसमें एक व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो। उसके लिए अगर उन्हें वन वे करना पड़े आने की और जाने की व्यवस्था अलग अलग करनी पड़े वो, और संघ में जो उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि हम सेक्टर वाइज ई रिक्शा को बांटेंगे, ये सब हो। एक अतिक्रमण जो बहुत ज़्यादा ठेले फल वाले ये सब खड़े हो जाते हैं, आप देखिए कोतवाली के बाहर तक खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे सुनवाई होगी, समझ में नहीं आता। आगामी त्योहारों को देखते हुए क्या सुझाव दे रहे हैं? देखिए साहब, सबसे खास बात तो यही है, ये त्यौहार जो आ रहे हैं इसी से सबके रोजगार जुड़े हुए हैं, और अगर इस त्यौहार पे हम पे ग्राहक नहीं पहुंचा तो हमारा तो पूरा सीजन खराब हो जाएगा, तो किस तरीके से हम काम करें, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। और साथ में